गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो लेट्स सी व्हाट इज द डेट टुडे। टुडे इज 1st of November। नवंबर को हम 11 से लिखेंगे एंड ईयर इज, वर्ष कौन सा है? 2021। सो आज कौन सी तिथि है? आज है 1st। और नवंबर को हम किससे लिखते हैं? 11 से। और वर्ष है 2021। और आज दिन कौन सा है? आज है सोमवार। ओके, आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज हम करेंगे 7वां स्वर की मात्रा, जो है री की मात्रा। री की मात्रा संस्कृत भाषा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये किसी भी वर्ण की खड़ी पाई यानी स्टैंडिंग लाइन के नीचे से लगाया जाता है। और ये इंग्लिश लेटर, इंग्लिश का जो लेटर सी है उसकी तरह होती है। ओके, इस तरीके से उसकी तरह ये होती है। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82, री की मात्रा। हम कुछ व्यंजन के नीचे लगाएंगे, ये जो हमें वर्ण दे रखे हैं इसके नीचे लगाएंगे और इसकी ध्वनि यानी का उच्चारण भी सीखेंगे। जैसे ये है क, क वर्ण के नीचे री की मात्रा कहाँ लगती है? कहाँ बताई मैम ने? खड़ी पाई यानी स्टैंडिंग लाइन के नीचे आपने लगाना है। तो क के नीचे जब री की मात्रा लगेगा तो क्या बन जाएगा? क्री। ओके, ख के नीचे री की मात्रा क्री, ग के नीचे ग्री, ग ग्री और उनका खाली। ओके, सो ये मैंने कहाँ लगाई? ये लगाई है स्टैंडिंग लाइन के साथ सी लेटर की तरह इसको आपने बनाना है। ओके, सिमिलरली ये है च, च के नीचे री की मात्रा च्री, छ च्री, ज के नीचे ज्री, ज ये है झ से झंडा च्री और यहाँ खाली, इसके साथ नहीं लगेगी। ऐसे ही क वाले जितने वर्ण हैं इनके साथ लगाएंगे, थोड़े मोटू मोटू से होते हैं तो इनके साथ भी लगाते हैं। ट के नीचे ट्री, ड्री, ड्री, ड्री और अना खाली। ओके, ऐसे ही त के साथ लगाएंगे, कहाँ लगेगी जल्दी से मैम को बताओ? त के नीचे ये स्टैंडिंग लाइन के साथ त्री, थ्री, द्री, ध्री, ध्री के। प के साथ प्री, भ के साथ प्री, ब्री, ध्री, मरी के। य के साथ री। अब र आ गया, र तो हमेशा से ही स्पेशल रहता है, तो र के साथ हम री की मात्रा नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि र के साथ जैसे हम लिखते हैं ऋषि, क्योंकि उसमें र के साथ री की मात्रा जो होती है उसका जो उच्चार ध्वनि है वो सेम हो जाती है, इसलिए र के साथ री की मात्रा नहीं लगती। जब र का उच्चारण, र की आवाज आएगी तो हम री की मात्रा ही उसमें लगाएंगे। जैसे री से ऋषि, आपको र की आवाज आ रही होगी तो हम कौन सी मात्रा यूज करेंगे उसमें? हम उसमें री की मात्रा यूज करेंगे और र के साथ री की मात्रा नहीं लगेगी। जब इसका उच्चारण करेंगे ऋषि, तो ऋषि के साथ जब आपको र की ध्वनि सुनाई देगी तो हम री की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ल, ये क्या बन गया? री, व के साथ ब्री, श के साथ श्री, श्री, स से सड़क श्री, और ह के साथ अगर आप नीचे लगाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। सो ह के साथ री की मात्रा कहाँ लगती है? ये मैंने ह लिखा है ना, सो ये जो जहां पे इसका एंड हो रहा है उसके साथ री, ये री की मात्रा लग गई। सो आपने देखा री की मात्रा का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। हमारे बुक में इसके कुछ चुने हुए शब्द दे रखे हैं, हम उन्हें भी रीड करेंगे और सीखेंगे उसका उच्चारण किस तरीके से होता है।
तब तक आपने ये वर्कशीट नंबर 82 अपनी नोटबुक में करना है, इसका उच्चारण करना है, री की मात्रा को कैसे लिखा जाता है उसका फॉर्मेशन वो भी सीखना है। ओके, सो आपने इस तरीके से करना है। धन्यवाद।